नमस्ते, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है काफी इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी DIY हेयर कंडीशनर, जो कि आपके बालों को डीप कंडीशन करेंगे। इसे आप कंडीशनर और मास्क भी बोल सकते हो, जो कि मैं खुद यूज करती हूँ और मुझे काफी अच्छा लगता है ये यूज करके, क्योंकि मेरे बालों को बहुत ही कंडीशन करते है, ये डीप कंडीशनिंग करते है। ये देखिए मैंने किया हुआ है, अभी भी आप देख सकते हो मेरे बाल जो है वो कंडीशनिंग ही लग रही है, बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की लग रही है, देख ही सकते हो आप। मेरे बाल शाइनी और सिल्की होने की ये भी एक वजह है। गाइस, मेरे कहने पर इस मास्क को आप जरूर ट्राई कीजिए, इस DIY कंडीशनर को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपके बालों को कंडीशन के साथ साथ नरिश भी करेगा। सो गाइस, ऑल टाइम वेस्ट किए बिना चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, मैंने अपने बालों को अभी अभी वॉश किया है और टॉवल से ड्राई कर लिया है, और मैंने अपने बालों को गर्म पानी से वॉश किया है, ज्यादा गर्म पानी नहीं, ल्यूक वार्म वाटर से वॉश किया है। और गर्म पानी से हेयर वॉश करने का एक फायदा भी है, अगर हम गर्म पानी से अपने हेयर को वॉश करते हैं तब हमारे स्कैल्प के पोर्स ओपन हो जाता है, और उसके बाद हम अगर ऑयल या तो कोई भी हेयर मास्क लगाए तो वो ज्यादा असरदार होता है, हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। Like हम फेशियल करते वक्त अपने फेस पे स्टीम लेते हैं, उसी तरह इसे स्टीम लेना कहता है अपने बालों पे। और स्टीम आप कई तरीकों से ले सकते हो, जैसे कि एक टॉवल से, टॉवल गर्म पानी पे डीप करके अपने हेयर पे लगाना, अपने हेयर पे स्टीम लेना, वो तो आप सभी को पता है, मार्केट में भी आपको स्टीमर मिल जाता है। और एक तरीका है घर पे ही स्टीम लेने का, जैसे कि आप एक बकेट में हाफ बकेट पानी ले लेना, और वो पानी ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ठंडा भी होना नहीं चाहिए, या तो जितना गर्म आप सहन कर सकते हो उतना गर्म लीजिएगा, और अपने बालों को आगे के और अपने बालों को इस तरह से आगे के और करते हुए, मतलब आप हेयर डंक करना उसी बकेट में, मतलब बकेट पे अपना हेयर जो है, अपने हेयर, अपने सर जो है वो इस तरह से डुबो के रखिएगा कुछ टाइम के लिए, 5 मिनट्स के लिए आप इस तरह से स्टीम ले सकते हो। उसके बाद जब आपके स्कैल्प के पोर्स ओपन हो जाएगा तब आप अपने हेयर पे ट्रीटमेंट करना, ऑयल मास्क जो भी है वो लगा सकते हो, और बहुत ही इफेक्टिव है ये मास्क, ये ऑयल। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम कैसे तैयार करते हैं, फिर हम अपने बालों पे लगाएंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल लूंगी, और साथ में लूंगी 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, और हाँ यहाँ पे हम हनी भी ऐड करेंगे। जैसे कि आपने देखा ऑयल के साथ यहाँ पे हमने 1 टीस्पून हनी ऐड किया है, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम सबको पता ही है हनी हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और अब इस मास्क को वीडियो पे दिखाया गया तरीकों से गर्म कर लेना है, यानी डबल बॉयल प्रोसेस में आपको इस मास्क को गर्म करना है। तो यहाँ पे हमारा मास्क बिल्कुल रेडी है, और अब हम इस मास्क को अपने स्कैल्प से लेकर लेंथ तक लगाएंगे। स्कल्प पे फिंगर टिप्स के मदद से लगाएंगे, और हल्का हल्का अपने हेयर को मसाज भी करेंगे। इस मास्क को हमें 30 से 40 मिनट्स के लिए अपने बालों पे रखना है। रिजल्ट आप लोगों को दिखाने के लिए आज मैंने सिर्फ शैम्पू से अपने बालों को वॉश किया है, कंडीशनर नहीं लगाया है। ये था DIY डीप कंडीशनिंग मास्क। मैंने आज शैम्पू के बाद मार्केट वाला कंडीशनर यूज नहीं किया है, पर गाइस आप हमेशा शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर यूज करना, क्योंकि शैम्पू के बाद कंडीशनर करना हमारे बालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहे, अगर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।